ये देखो, ये फ्रूट पंच मैंने घर पे बनाया है। कोई भी बिलीव नहीं करेगा, फोटोज देख के और टेस्ट करने के बाद तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि ये घर पे बना है, बट सच में ये 100% घर पे बना है। एंड ये जो फ्रूट पंच के लिए मैंने जार यूज़ किया है, ये मैंने अमेजोन से मंगाया है। ये आपको 600-700 का मिल जाएगा। ग्लास का है, ग्लास स्टैंड भी आता है, जो फोटो में दिख रहा है वो स्टैंड भी इसी के साथ आता है। एंड अच्छा है, ड्यूरेबल है, ले सकते हो। देन मैंने यहाँ पे दो टाइप के फ्रूट जूसेस यूज़ किए हैं, एक पोमेग्रेनेट का, एक ऑरेंज का। मेरे को बड़े पैक्स नहीं मिले मार्केट में, तो मैंने छोटे वाले 5-5 ले आए, क्योंकि मुझे खूब सारा फ्रूट पंच बनाना था। आप चाहो तो थोड़ा कम भी बना सकते हो। फिर मैंने बर्फ़ डाला जो कि गिर गया मेरे से, क्योंकि वो बहुत ठंडा था, मेरा हाथ जम रहा था उसको पकड़े पकड़े। देन मैंने ऑरेंज के जो स्लाइसेस हैं उसको डाला, थोड़े से ऑरेंज के एक दो स्लाइसेस थोड़े डिसशेप हो गए थे, बट देन ओके। देन मैंने लेमन के थोड़े बहुत स्लाइसेस डाले इसमें। फिर मैंने पुदीना डाला जो कि फ्रेश था मेरे गार्डन से, बहुत सारा मैंने पुदीना डाला। एंड देन मैंने लेमन जूस डाला एक बोल पूरा फुल, और उतना ही डालना आप लोगों को, नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा। देन मैंने यहाँ पर थोड़ा वाटर डाला है, स्किप कर सकते हो चाहो तो, लेकिन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हम पूरी एक बॉटल इसमें स्प्राइट डाल रहे हैं और जूसेस भी है, तो वो बहुत ज़्यादा फिजी हो जाएगा, तो टेस्ट को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मैंने वाटर डाला है, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी मतलब धूप में मैं ये शूट कर रही थी, तो इसमें मुझे बर्फ़ थोड़े कम लगे, तो मैंने बाद में और बर्फ़ डाल दी है। उसको स्ट्रॉ से मिक्स करके कैप लगाया, एंड जब मैंने इसको टेस्ट किया, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मैंने बनाया है। सच में गाइस, प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करना और कॉमेंट करके बताना कि आपका फ्रूट पंच कैसे बना। ओके बाय।